भले ही आपने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन क्योंकि आज नॉर्थ ही नेहा स्पेशल है, मैंने सोचा कि मैं आपको एक सरप्राइज दूं। ओके, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ। नेहा, दीदी और मैं, हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे, तीनों में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम तीनों हों तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। नेहा का इतना आगे आना और सारेगामा पा लिटिल चैंप्स का जज बन जाना, ये एक सपने की तरह है। डेफिनेटली, इनफैक्ट हम सबका स्ट्रगल एक साथ, वो तो ऐसा है कि अगर कभी बताने जाएंगे तो हम, मेरे को खुद ही रोना आ जाएगा। बसेस में ट्रैवल कहाँ कहाँ, बस, रिक्शा, पापा स्कूटर पे, हम सब लोग एक स्कूटर पे जाते थे, हम बच्चे होते थे, मम्मी पापा सब साथ में, और जो कि बहुत बहुत मुश्किल वक्त देखा बहुत है, मुश्किल वक्त के साथ। ऋषिकेश से दिल्ली आना, दिल्ली से दिल्ली में बहुत टाइम स्ट्रगल किया, और उसके बाद मुंबई, बहुत सारा वक्त ऐसा होता था माँ बाप साथ नहीं होते थे। नेहा ने बहुत बहुत मेहनत की है और आज उस मेहनत का फल है कि जो सारेगामा पा इतने बड़े शो की जज है, हम सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। हमें सबको गर्व नेहा आपने करवाया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बाबू। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो। लव यू नेहा, लव यू, यू मेकिंग अस प्राउड। तो नेहा, कैसा लगा आपको हमारा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा। I love them, मेरी जान है ये दोनों। जोरदार तालियां हो जाए सोनू कक्कर और टोनी कक्कर के लिए। बहुत 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 अच्छा लगा। टोनी को एक्चुअली मैं अपना मेंटोर मानती हूँ। इन्होंने मुझे हर एक तरह से कैसे एज एन आर्टिस्ट इम्प्रूव किया जाए वो मुझे एक एक चीज़ टोनी ने बताई है। ये देखने में बहुत ही शांत लगते हैं बट इतने अच्छे गाने बनाते हैं। और टोनी, व्हाई यू क्राइंग? एक्चुअली ये मतलब मेरे लिए सपना जैसा ही है कि कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि हिमेश जी के साथ, जावेद भाई के साथ नेहा वहाँ बैठ के जज करेंगी इतनी महान ज्यूरी के साथ। और नेहा ने कितना स्ट्रगल किया और कितनी, मैं कभी सोचता था कि नेहा की आवाज़, दीदी की आवाज़ कोई म्यूजिक डायरेक्टर कभी सुन ले, कहीं से भी सुन ले। और हमारे लिए ज्यादा इसलिए वक्त बहुत लग गया क्योंकि हमने बचपन से शुरू किया। हाँ, मैं चार साल की थी, दीदी पांच साल की थी, टोनी भाई भी बिल्कुल छोटे से थे, तब से शुरू किया। और दीदी और मुझे आगे बढ़ाने के चक्कर में ही टोनी हमेशा बैक सीट पे रहे। उन्होंने इतने सारे गाने हमारे लिए बनाए जो कि फाइनली अब मिले हो तुम हमको 100 मिलियन भी क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली हमारी फैमिली म्यूजिक वाली नहीं है। सोनू दीदी वॉज द फर्स्ट वन, वो पहली एक म्यूजिशियन, पहली सिंगर हमारी फैमिली में जो जिनका जन्म हुआ वो सोनू दीदी थी। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को बट मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दीदी आज मैं सिंगर हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप हमारी फैमिली में नहीं होते तो मैं शायद सिंगर ना होती। नेहू, आपने हमारे सपने को सच किया है, हम सबको इतना प्राउड फील करवाया है और वाकई में हम लोग स्पीचलेस हैं। बहुत 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 थैंक यू बाबू। क्या बात है। तो आप तीनों सुपर कक्कर्स तो अगर स्टेज पर हैं तो तीनों का एक गाना तो बनता है ना? ओके, गुड जॉब। सो यस, द सॉन्ग हैज बीन क्रिएटेड बाय देन टोनी कक्कर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है
किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, बड़े नसीबों से चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से। Come on everybody, I love you guys, I love you so much, Tony Didi, I love you guys, I love you too Babu। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब हो के, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आ जाना तुम मेरे पास, दूंगी इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा है। सब कुछ छोड़ के आना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, ये हो तू हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की।